वालेकुम जी तमाम दोस्त, कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद साद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहते हैं। इंग्लैंड होम ऑफिस ने बड़ी तब्दीली लिया है सपोस्ट वीज़ा से मुतलिक, क्या तब्दीली है? वीडियो की तमाम तर अपडेट आप साथ शेयर करेंगे, उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महमूदिया ट्रैवल डॉट कॉम को भी ज़रूर विज़िट किया करें। तो इंग्लैंड होम ऑफिस सपोस्ट वीज़ा से मुतलिक बड़ी खबर आ गई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यूके होम ऑफिस ने अब पार्टनर्स के लिए फीस चेंज में जो है बड़ी तब्दीली कर दी है। अब जो फीस अपडेट है तो उसे इफ़ेक्ट कर रही है और ये पार्टनर और स्पॉन्सर को। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जो सपोज इनके पास रीव यानी रिमेन टू लीव है तो वो करंटली बहुत ही मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और कुछ तो डिपोर्ट भी हो रहे हैं क्योंकि होम ऑफिस उनसे £1,000 चार्ज कर रहे हैं। यूके में स्टे करने के लिए जो स्पोर्ट्स हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फ़ी को पे करने की, और जो फ़ी है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जिन लोगों के ब्रिटिश स्पोर्ट्स हैं तो वो होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी £2,404 की फ़ीस को रिड्यूस किया जाए और ड्यू टू पार्टनर कंसेशन और इससे हस्बैंड या वाइफ को इनडेफिनेट लीव टू रिमेन पे प्रोवाइड किया जाए। तो अब होम ऑफिस के डाटा के मुताबिक वीज़ा प्रोग्रेस की कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि £491 है और ये टाइम लेस दैन कैंडिडेट के लिए है। और मज़ीद ऐसे बहुत से इंडिविजुअल हैं जिनके पब्लिक फंड्स पे कोई एक्सेस नहीं है और ये फाइनेंशली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ख़ास तौर पर जिनसे के स्पोज की डेथ हो गई है तो उनकी हाई कॉस्ट को पे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी जो स्पोज और माइग्रेंट्स हैं लंदन में तो वो रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। तो होम ऑफिस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि होम ऑफिस जो भी फीस ले रहा है तो उसमें होम ऑफिस को कोई भी प्रॉफिट नहीं है और मज़ीद जो फीस स्ट्रक्चर है तो उसे ऑलरेडी सेट कर दिया गया है नेसेसरी रिसोर्सेज को डिलीवर करने के लिए। और इसको एक माइग्रेशन फाइनेंशियल सिस्टम भी कहते हैं, जो लोग इमिग्रेशन सिस्टम को यूटिलाइज करके बेनिफिट्स ले रहे हैं तो उनको ऑपरेटिंग की कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर हैं तो उनका जो बर्डन है कम हो सके। तो ये थी अपडेट, मज़ीद अपडेट्स के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।